हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव और बिहाइव से आपका लेसन है माय चाइल्डहुड और इसके राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इंडिया के 11th प्रेसिडेंट वो बने और उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। वहां से ये छोटा सा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट एक अंश लेकर आपके सिलेबस में लगाया गया है और अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में ढेर सारे बातें यहां पर आपके साथ शेयर की गई हैं। जैसे आप एक बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप एक बच्चे के तौर पर ही जो अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड था, बचपन था, उन बातों को पूरे इंटरेस्ट के साथ में अगर सुनेंगे तो ये लेसन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली और उनका जो घर था वो मॉस्क स्ट्रीट में था। ये एक आप कहें जो घर था वो लार्ज पक्का हाउस था, पक्का बना हुआ घर था, मॉस्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली में था। मिडिल क्लास तमिल फैमिली से अब्दुल कलाम बिलोंग करते थे और हालांकि उन्होंने रिलीजन के बारे में बड़े ही उच्च विचार अपने जाहिर किए हैं, हिंदू रिलीजन से बहुत ज्यादा वो अटैच्ड और एसोसिएटेड रहे हैं। उनके सारे जो फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, जैसे उनमें एक हो गया रामानंद शास्त्री और सेकेंड हो गए अरविंदन, देन थर्ड शिव प्रकाशन। ये सारे के सारे जो उनके फ्रेंड्स थे ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब अब्दुल कलाम सोने जाते थे, बेड टाइम की जब बात की जाती है तो उनकी मदर और ग्रैंड मदर उनको सुनाया करती थी, दे यूज टू टेल हिम द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में और रामायण से कहानियां जो है वो देखिए कि मुस्लिम परिवार होने के बावजूद उनकी मदर और ग्रैंड मदर अब्दुल कलाम को रामायण के बारे में भी पाठ पढ़ाया करती थी। उनके फादर की अगर बात की जाए, अब्दुल कलाम के फादर की बात की जाए, तो ही वॉज नाइदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। ना तो वो बहुत ज्यादा आप कहें फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा उनके पिताजी के पास थी, ना ही वो बहुत ज्यादा अमीर थे। और लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटसाइडर्स एट विद देयर फैमिली डेली नंबर ऑफ आउटसाइडर्स एट विद देयर फैमिली। बहुत सारे बाहर के लोग उनके घर आते थे खाना खाने के लिए। उनका घर की बात की जाए, लार्ज पक्का हाउस था, मॉस्क स्ट्रीट में था। उनके जो फादर हैं उनका एक विचार था कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड है, क्लोथ है, मेडिसिंस है, बेसिक नेसेसिटीज शुड नॉट बी अवॉइडेड, बट जो लग्जरीज हैं, ऐशो आराम की जो चीजें हैं, दे शुड बी अवॉइडेड। तो वो अवॉइड करते थे ऐशो आराम की चीजों को, लेकिन कभी भी जो बेसिक जरूरत की जो चीजें हैं उनके लिए कभी भी मना नहीं किया जाता था। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो स्टार्ट हुआ 1939 में, 1939 में। उस टाइम पे अब्दुल कलाम की बात की जाए, ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल के थे। उस दौरान टैमरिंड सीड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, टैमरिंड सीड्स इमली के जो बीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ही यूज टू कलेक्ट टैमरिंड सीड्स थ्रू आउट द डे, देन ही वुड सेल देम इन द मार्केट। पूरा दिन वो टैमरिंड सीड्स इमली के बीजों को इकट्ठा करते फिर मार्केट में बेच देते थे। और उन दिनों के हिसाब से वो आपसे अगर बतलाया जाए, ही यूज टू अर्न 1 आना और यू कैन से 6 पैसे पर डे, 6 पैसे 1 आना अगर कहें वो टैमरिंड सीड्स बेचकर रोजाना कमाते थे। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, एक और इफेक्ट वहां पर आया कि जो रामेश्वरम, अब्दुल कलाम का जो घर था, जो बर्थ हुआ वो रामेश्वरम में हुआ, RAMESWARAM, रामेश्वरम तमिलनाडु में जगह है,
तमिलनाडु स्टेट में, राज्य में ये जगह है रामेश्वरम, वहां पर जो ट्रेन का हॉल्ट है, रुकना है, ठहराव है, वो बंद कर दिया गया। तो इनके जो कजन थे शमसुद्दीन, इस कजन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर्स को बांटने का काम किया करते थे। तो अब जब रामेश्वरम में ये ट्रेन का हॉल्ट बंद कर दिया गया, ठहराव बंद कर दिया गया, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको चलती हुई ट्रेन से ही थ्रो करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था, उनको कलेक्ट करना पड़ता था और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो शमसुद्दीन जो अब्दुल कलाम के कजन है, ही नीडेड ए हेल्पिंग हैंड, उनको मदद करने के लिए किसी की जरूरत थी। सो अब्दुल कलाम हेल्प्ड हिज कजन शमसुद्दीन, उन्होंने अपने कजन शमसुद्दीन SAMSUDIN की इस न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन के काम में हेल्प की और फर्स्ट टाइम उन्होंने पैसे कमाए, अपनी खुद की जो कमाई है वो की। अब बात की जाती है कि अब्दुल कलाम फेल्ट प्राइड ऑन अर्निंग हिज ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार खुद कमाई करके अब्दुल कलाम को बड़ा गर्व महसूस हुआ। अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड्स थे रामानंद शास्त्री, वो वहां रामेश्वरम में जो टेम्पल था उसके चीफ प्रिस्ट के बेटे थे और आगे चलकर जो रामानंद शास्त्री हैं वो खुद भी रामेश्वरम टेम्पल के प्रिस्ट बने, पुजारी बने। उसके बाद अरविंदन जो उनके फ्रेंड हैं, अरविंदन बड़े होकर उन्होंने जो काम किया वो था प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने का काम अब्दुल कलाम के जो दूसरे दोस्त थे अरविंदन, उन्होंने शुरू किया अरविंदन ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो उनके तीसरे दोस्त थे शिव प्रकाशन, तो उन्होंने साउदर्न रेलवे में, दक्षिण रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया, कैटरिंग CATERING, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, किचन से रिलेटेड काम जो है, खाने पीने का काम साउदर्न रेलवे में, दक्षिण रेलवे में, साउदर्न रेलवे दक्षिण रेलवे में उन्होंने शिव प्रकाशन ने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम किया। ये भी इंफॉर्मेशन है, ये तीनों के तीनों उनके जो दोस्त थे वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से संबंध रखते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अब्दुल कलाम के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी तरीके का ना उन दोस्तों ने ना उनकी फैमिलीज ने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया, कभी कोई भेदभाव अब्दुल कलाम के साथ में नहीं किया। और अब्दुल कलाम भी बिल्कुल उनकी तरह जैसे एक हिंदू बॉय की तरह, हालांकि वो मुस्लिम थे लेकिन एक हिंदू बॉय की तरह उन फैमिलीज में और अपने दोस्तों के साथ वो शुरू से ही घुल मिलकर रहे। जहां तक कुछ अच्छे गुणों के सीखने की बात है, एट्रीब्यूट्स की बात है, क्वालिटीज की बात है, तो अब्दुल कलाम बतलाते हैं दैट ही लर्नड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, ऑनेस्टी ईमानदारी and self-discipline from his father, then he learnt goodness and kindness from his mother. Honesty and discipline, self-discipline, ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिताजी से सीखा, kindness दयालुता and goodness अच्छाई, अच्छाई और दयालुता अपनी मदर से उन्होंने सीखी। अब यहां पर टू इंसिडेंट्स हैं जो उनके टीचर्स से रिलेटेड हैं। व्हेन ही वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर केम एंड ही सॉ दैट अब्दुल कलाम वाज सिटिंग बिसाइड रामानंद शास्त्री हु वाज ए ब्राह्मण बॉय और यू कैन से ए हिंदू बॉय, एक हिंदू लड़के रामानंद शास्त्री जो अब्दुल कलाम के पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, उनके साथ में अब्दुल कलाम बैठे हुए थे। अब्दुल कलाम क्योंकि मुस्लिम बॉय थे, नए टीचर जो आए उन्हें जो है बड़ा अजीब लगता है, एंड ही आस्क्ड अब्दुल कलाम टू स्टैंड अप एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। अब्दुल कलाम ने को टीचर ने कहा यहां से खड़े हो जाओ और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाओ। जब बाद में रामानंद शास्त्री जो रामेश्वरम टेम्पल के चीफ प्रिस्ट थे उनको इस बात का पता चलता है, देन ही रिब्यूक्ड द टीचर, उन्होंने
टीचर को काफी डांट मारी और उनको समझाया कि जो ये बच्चे हैं उनमें रिलीजन का ये पॉइजन घोलने की कोशिश ना करें। द टीचर एडमिटेड हिज मिस्टेक, अध्यापक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। आगे बात करते हैं अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर और कंप्लीट नेम उनका बोला जाए तो शिव सुब्रमण्य अय्यर, SIVASUBRAMANIA सुब्रमण्य, शिव सुब्रमण्य अय्यर, IVIYER, दोबारा से स्पेलिंग रिपीट कर देते हैं, SIVASUBRAMANIA शिव सुब्रमण्य अय्यर, IYER शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये उनके साइंस टीचर थे। His science teacher invited him to his home for a meal. खाना खाने के लिए अपने घर उनके साइंस टीचर बुलाते हैं। But his wife denied. Science teacher's wife, Abdul Kalam's teacher's wife, उनके अध्यापक की जो पत्नी थी, she denied to serve food to a Muslim boy with her own hands to a Muslim boy in her kitchen, अपनी किचन में एक मुस्लिम बॉय को अपने हाथों से खाना खिलाने से उन्होंने मना कर दिया। तो जो साइंस टीचर हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर, he himself served the food and he also ate his meal with Abdul Kalam. खुद टीचर ने भी अब्दुल कलाम के साथ खाना खाया, खुद उनको अपने हाथों से जो टीचर हैं उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद में he again invited Abdul Kalam to have dinner with him, उनके साथ खाना खिलाने के लिए, again दोबारा से उनको डिनर करने के लिए, रात का खाना खिलाने के लिए अब्दुल कलाम के साइंस टीचर ने उनको दोबारा अपने घर बुलाया। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग सी एक बात थी, बड़ा सरप्राइजिंग आप कहें अचंभित कर देने वाली बात थी कि एट दैट टाइम हिज वाइफ, साइंस टीचर्स वाइफ, अध्यापक की जो पत्नी थी, शी हरसेल्फ टुक हिम इनसाइड किचन एंड सर्व्ड विद हर ऑन हैंड्स, सर्व्ड फूड विद हर ऑन हैंड्स। अध्यापक की पत्नी अब्दुल कलाम को खुद अपने साथ किचन में लेके गई, अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज इमिनेंट, बिल्कुल भारत की आजादी अब निश्चित हो चली थी कि भारत आजाद हो जाएगा। नाउ अब्दुल कलाम वॉज विलिंग टू गो टू द बिग सिटी, टू गो टू द बिग टाउन फॉर फर्दर स्टडीज, फॉर हायर स्टडीज, आगे की पढ़ाई करने के लिए वो बड़े शहर जाना चाहते थे और बड़े शहर का नाम था, बिग सिटी का जो नेम था वो था रामनाथपुरम, RAMNATHPURAM रामनाथपुरम। हिज मदर वॉज हेजिटेंट, उनकी मदर जो है वो हिचकिचा रही थी कि अकेले बच्चे को मैं किस तरीके से बाहर जाने दूं। तो उनके फादर ने जो यंग सीगल का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यंग सीगल की मदर ने उसको उड़ना सिखाया, उसी तरीके से अकेला उसको जाने दिया, आप भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए जाने दो,
ये इस तरीके का एग्जाम्पल उन्होंने यहां पर कोट किया, रखा, उनकी मदर को समझाया। एंड अब्दुल कलाम्स फादर अलाउड हिम टू गो टू द बिग सिटी दैट इज रामनाथपुरम फॉर हायर स्टडीज। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी ने उनको परमिशन दे दी कि आप रामनाथपुरम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हो। साथ ही उन्होंने उनकी मदर को एक बहुत बढ़िया बात बतलाई थी, कही थी, ये लाइंस आप एज सच लर्न कर सकते हो। और उन्होंने बोला था, अब्दुल कलाम के फादर ने अब्दुल कलाम की मदर को बोला था, क्या बोला था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे केवल आपके बच्चे ही नहीं हैं। हम अगर समाज में जन्म लेते हैं, सोसाइटी में हमारा बर्थ होता है, तो हमें समाज के लिए, कंट्री के लिए भी बहुत सारे काम करने होते हैं। इसलिए वो कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे हैव कम थ्रू यू, वो हालांकि आपके माध्यम से आए हैं बट नॉट फ्रॉम यू। कि आप ये कह दो कि उनके ऊपर सारा हक आपका ही है, ऐसा नहीं है। दे हैव कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव them your love, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, but not your thoughts, they have their own thoughts, आप उन्हें प्यार दे सकते हो, अपनी सोच, अपना विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकते। बच्चों के अपनी सोच, अपने विचार होते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस लेसन की, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे हैव कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव but not your thoughts, they have their own thoughts। ये उनके फादर ने उनकी मदर को कहा था। उसके बाद में जो अब्दुल कलाम है वो हायर स्टडीज करने के लिए बिग सिटी, बड़े शहर रामनाथपुरम चले गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेसन, मुझे भी लगता है आप भी इंटरेस्ट के साथ सुनिए और याद कीजिए। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही जब ये सारे आंसर्स आपको करेक्ट आंसर्स टिक हो जाएंगे करेक्ट चॉइसेस पर, उसके बाद में आपको मौका मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने का। वहां से भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके लर्न और रिवाइज करके अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न, अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था। चॉइसेस हैं ए रामेश्वरम, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी दिल्ली। तो आपका जो आंसर है वो है ए रामेश्वरम, आर ए एम ई एस डब्ल्यू ए आर ए एम, रामेश्वरम। विच रिलीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू, अब्दुल कलाम का धर्म कौन सा था। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी क्रिश्चियन। तो आपका आंसर होगा बी मुस्लिम। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम, रामेश्वरम भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी तमिलनाडु, डी केरला। तो रामेश्वरम है सी तमिलनाडु में। दीनामणि इज द नेम ऑफ, दीनामणि क्या है। दीनामणि से उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बतलाया गया है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो उनको, उनके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनको यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन हैं, सूचनाएं हैं, जानकारी है वो दिया करते थे। अब्दुल कलाम को खुद भी दीनामणि की जो हेडलाइंस है वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी मिलती थी। तो दीनामणि क्या है। दीनामणि इज द नेम ऑफ ए बुक, ए सिटी, ए न्यूज़पेपर, डी नन। करेक्ट आंसर है सी ए न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो भारत के 11th, आप कहें इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति वो बने थे। चॉइसेस में से कौन सा होगा, ए प्रेसिडेंट, क्या बने थे, ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस, डी नन। तो आंसर होगा ए, अब्दुल कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन ब्लैंक, कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ। ए पुअर फैमिली, बी रिच फैमिली, सी मिडिल क्लास फैमिली, डी एवरेज फैमिली। आंसर होगा सी मिडिल क्लास फैमिली। नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम की जो बुक है, जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी आत्मकथा है, जहां से ये आपका लेसन
एक एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में थोड़े से अंश के रूप में लिया गया है, उस बुक का क्या नाम है? ए माई चाइल्डहुड, बी विंग्स ऑफ फायर, सी बोथ ए एंड बी, और डी माई एक्सपीरियंस। तो आंसर होगा आपका बी विंग्स ऑफ फायर। और ये जो आपका लेसन है उसका नेम है माई चाइल्डहुड। तो बुक, जिस बुक में से ये लिया गया है लेसन आपका, उस बुक का नेम है विंग्स ऑफ फायर। हु वॉज अब्दुल कलाम सिटिंग विद बेन, द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। फिफ्थ स्टैंडर्ड में, पांचवी कक्षा में वो पढ़ते थे, जब नए अध्यापक आए, नए टीचर आए, उन्होंने अब्दुल कलाम को उठकर लास्ट बेंच पर बैठ जाने के लिए कहा। अब्दुल कलाम उस समय किस बच्चे के साथ, किस स्टूडेंट के साथ, किस फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे? ए अय्यर, बी रामानंद शास्त्री, सी अरविंदन, डी नन। आपका आंसर होगा बी रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वरम टेम्पल के चीफ प्रिस्ट के बेटे थे और बड़े होकर खुद भी रामेश्वरम टेम्पल के चीफ प्रिस्ट बने। रामेश्वरम टेम्पल के रामानंद शास्त्री बड़े होकर प्रिस्ट बने, पुजारी वहां खुद वो बने। विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल एज ए मुस्लिम बॉय, कौन सा ऐसा चिन्ह था, संकेत था, जिससे पता चलता था कि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम लड़के हैं? ए ही वॉर ए कैप, बी ही वॉर ए चेन, सी ही वॉर ए शर्ट, डी ऑल ऑफ द वो। तो आपका आंसर होगा ए ही वॉर ए कैप, कि वो एक कैप पहनते थे, एक टोपी वो पहना करते थे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं, व्हाट डिड द न्यू टीचर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आस्क अब्दुल कलाम टू डू। पांचवी कक्षा में नए अध्यापक ने अब्दुल कलाम को क्या करने के लिए कहा? ए टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, बी टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा बी टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, जाओ और आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम फादर, अब्दुल कलाम के फादर का क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुलुद्दीन, जो ये कहा गया है अब्दुल कलाम जैनुलुद्दीन, ये उनके फादर का नेम है। फादर का नेम हो गया जैनुलुद्दीन और मदर का नेम है आशियम्मा। तो देखिए चॉइसेस हैं, फादर्स नेम ए जैनुलुद्दीन, बी आजाद, सी साहिब, डी नन। तो आंसर ए करेक्ट है, जैनुलुद्दीन उनके फादर का नेम था। व्हाट इज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स मदर, उनकी मदर का क्या नाम था? ए रीटा, बी सलमा, सी साहिबा, डी आशियम्मा। तो करेक्ट आंसर डी आशियम्मा, उनकी मदर का नेम था। नेम अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम के सबसे नजदीकी मित्रों के नाम बताएं। ए सोहन, बी रामानंद शास्त्री, सी अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, डी बोथ ए एंड बी। तो सॉरी, डी है बोथ बी एंड सी, डी चॉइस है बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी में आ गया रामानंद शास्त्री और सी चॉइस में आ गया अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, डी चॉइस करेक्ट है बोथ बी एंड सी। व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट, द्वितीय विश्व युद्ध कब भड़का? ए 1949, बी 1939, सी 1922, डी 1933। आंसर करेक्ट होगा बी 1939, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ। How old was Abdul Kalam when the Second World War broke out? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अब्दुल कलाम कितने साल के थे? A 10 years, B 6 years, C 8 years, D 15 years. Correct answer है C 8 years, 8 साल के थे। What was the name of Abdul Kalam's science teacher? अब्दुल कलाम के विज्ञान के अध्यापक का क्या नाम था? A रामानंद शास्त्री, B शिव सुब्रमण्य अय्यर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो करेक्ट आंसर साइंस टीचर का नेम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड इन? रामेश्वरम, रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जो घर था कहां स्थित था? ये लार्ज पक्का हाउस था, कहां बना हुआ था? ए मॉडल टाउन, बी मॉस्क स्ट्रीट, सी नियर पावर हाउस, डी नन। तो आपका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर है बी मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में उनका घर बना हुआ था। थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लर्न रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहिए। आपने एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आपके एग्जाम्स के लिए एडवांस में आपको बधाइयां हैं, बेस्ट विशेज हैं, और जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।